जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेकफुली चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं टॉप 5 ऐसे सी लैंग्वेज से रिलेटिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपकी हमेशा मदद करेंगे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपसे सी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, तो हो सकता है उन एग्जाम्स में आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछ ले जाएं, तो इनका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों बिना किसी समय बर्बादी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, तो दोस्तों हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन के बराबर है, इसका मतलब असलियत में होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस इक्वल टू जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगर यहाँ पर प्लस इक्वल भी लिखा होता तो भी हम इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस प्लस, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता था कि एक्स में 1 जोड़ देते थे हम, ठीक। अगर हमने लिखा हुआ है x प्लस इक्वल टू y, तो इसका मतलब होता था दोस्तों कि x में y जुड़ जाएगा, तो x प्लस y। तो इस जो ऑपरेटर को हम बोलते हैं वह बोलते हैं हम इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है वह किसके बराबर है। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसे बोलते हैं आप एल वैल्यू, ठीक, और ये जो आपके राइट हैंड पर लिखी हुई है इन्हें बोलते हैं आर वैल्यू। तो मैंने ये क्यों बताया कि एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होते हैं, तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो आपकी एल वैल्यू है जो उसमें आपका ऑपरेंड है वह कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। तो मतलब ये एक्स तो लिखा हुआ ही तो सही है, पर अगर आप यहाँ लिखा होता माइनस एक्स माइनस इक्वल टू वाई प्लस 1 तो ये सही नहीं होता, ये एक एरर होता। तो ये एक एरर होता है, एल वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका ये ऑपरेंड है इसको आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू x, लिख लिया। इसके बाद जो माइनस इसका काम बनेगा, तो इस माइनस को आप लिखेंगे ये जैसा था l वैल्यू आपने यहाँ लिख ली, ठीक। जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको ये वाली जो r वैल्यू है उसको लिख लेना है अपने ब्रैकेट में, तो y प्लस 1। उसके बाद x आपका यही रहेगा, माइनस की आप इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस y प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1। तो ये जो आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट इंट आई इक्वल टू 263 पुट सी एच आर, मतलब पुट करेक्टर उसके अंदर दिया हुआ है आई, तो आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कराई। तो आप जैसा कि जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है पुट सी एच आर, मतलब ये एक करेक्टर को प्रिंट करेगा, पर आपने जो आई लिया हुआ है वो तो आपने इंट डाटा टाइप की मदद से बनाया हुआ है, और आप जो प्रिंट करा रहे हैं वह करा रहे हैं करेक्टर डाटा टाइप में। जैसा कि आपको पता है कि ASCII वैल्यू ASCII इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। तो आप जानते हैं ASCII कोड के बारे में कि कोई भी करेक्टर का एक यूनिक इंटीजर कोड होता है या फिर यूनिक इंटीजर वैल्यू होती है। तो अब हमें पता करना है कि 263 किस करेक्टर की यूनिक वैल्यू है या फिर किस करेक्टर की ASCII वैल्यू है। तो दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले हम इसके ऑप्शन और देख लेते हैं कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो ऑप्शन है इसके ये 4। पहला ऑप्शन है आपका प्रिंट 263, मतलब ये सिर्फ 263 प्रिंट कर देगा। आपको पता है कि पुट करेक्टर यूज कर रहे हैं तो 263 तो प्रिंट करने वाला है नहीं, क्योंकि ये करेक्टर में प्रिंट करेगा, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर में तो प्रिंट होगी नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है, ये तो हमें पता चल गया। तो इन तीनों ऑप्शनों में हमें देखना है कि अब सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि जो आपकी हाईएस्ट ASCII वैल्यू होती है वह होती है 127। वो किस कैरेक्टर की वैल्यू होती है, वह होती है आपकी डेल की, डेल की ASCII वैल्यू 127 होती है। और यहाँ आपसे पूछा गया 263, मतलब 263 तो कोई ASCII कोड होता ही नहीं है कैरेक्टर का। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा बी ऑप्शन है वह भी गलत है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि ASCII कोड जो भी 263 का होगा वह कैरेक्टर प्रिंट होगा, तो 260 तो कोई ASCII कोड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन,
तीसरा है आपका रिंग्स डबेल, और चौथा वाला जो है वह आपका प्रिंट्स गार्बेज। तो इन दोनों में से ये एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब कौन सा सही होगा इसको हमें पता करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी पर काम करता है, तो 263 हमारा एक डेसिमल नंबर है, तो इसे हम सबसे पहले एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था जिसमें आपको एक नंबर लिखना होता था, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ठीक, आगे भी लिख सकते हैं 256, ऐसे ही लिखते थे। तो अब हमें 263 का बाइनरी चाहिए, तो 260 के बाइनरी के लिए हमें क्या करना होगा, इन नंबरों को जोड़ कर देखना होगा कि किन नंबर को जोड़कर हमारा 263 आता है। तो एक नंबर हमारा हो गया 256, तो अब इसमें कितना जोड़ें बाकी, तो बाकी हमने इसमें जोड़ा 4, तो कितना हुआ 260, 2 जोड़ेंगे 262, 1 जोड़ेंगे 263 हो गया। ठीक, तो जिन नंबर को जोड़ा है उसके नीचे हम लिख देंगे 1, बाकी जो हमने नहीं जोड़े उनके नीचे हम लिख देंगे 0। जैसे कि आप जानते हैं 127 आपकी हाईएस्ट आस्की वैल्यू है, तो आप 256 तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका जो काम होता है वह होता है आपका 0 to 7, मतलब कि इसमें टोटल 8 बिट यूज़ होंगी आपकी आस्की में, 8 बिट आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो भी उससे नंबर निकल के आएगा उसके बाद आप उसे आस्की कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि आप कितनी डिजिट बन रही है, तो आपकी बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप 8 बिट यूज़ कर सकते हैं, आप 9 नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 9 आपकी 256 होती है। आपकी हाईएस्ट 127 है, 128 आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आपकी लास्ट वाली बिट होती है वह माइनस पर काम करती है, तो उसका एक बिट तो आपका एक्स्ट्रा मिलेगी ही मिलेगी। तो 128 तक आपकी जितनी बिट है आप उन्हें नोट कर लीजिए। तो 128 तक जो आपकी बिट है वह है आपकी 00000111, तो ये जो 1 है इन्हें आप लिख लीजिए, 1 4 की 1 है, 4 + 2 = 6, 2 + 1 = 6 + 1 = 7, तो ये जो आपकी डेसिमल है वह है 7 के बराबर। ठीक, तो अब आपको बताना चाहिए 7 आस्की कोड है वह किस करेक्टर का कोड है, तो 7 जो आस्की कोड है वह है आपका बेल का। तो जो अब आपका सही आंसर हुआ वह हुआ आपका सी, जो है रिंग्स द बेल। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए 127 आपका हाईएस्ट आस्की कोड है, ठीक, और उससे ऊपर जो भी होगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, बाइनरी के बाद 128 तक या फिर 8 बिट तक आप नोट करेंगे, और जो भी आपकी बाइनरी आएगी और जो भी उस बाइनरी से डेसिमल निकलेगा उसका जो आस्की कोड होगा वह आपके करेक्टर वैल्यू के बराबर होगा, जो भी उस आस्की कोड का करेक्टर होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिंट है परसेंटेज एफ फ्लोट 9/5, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है 1.0, 2.0, 1.8, और जो आपका लास्ट है वह है आपका 1। अब आपको पहले इस क्वेश्चन को देखना है, तो परसेंटेज एफ क्या है आपका, परसेंटेज एफ है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक, फॉर्मेट स्पेसिफायर तो आपका एफ है, मतलब कि जो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी वह होगी आपकी फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक, फ्लोट आपने यहाँ यूज़ किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये फ्लोट का यूज़ यहाँ पर क्या है और ये काम क्या करता है। ठीक, और ये जो आपकी वैल्यू है वह आपकी इंटीजर वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि ये विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखे हुए हैं, मतलब कि 9.0 और 5.0 नहीं लिखे हुए हैं, तो ये आपकी एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये फ्लोट का काम क्या है यहाँ पर, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये है आपका टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन कैसे यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपकी कोई इंटीजर वैल्यू है, सपोज इसे 1/2 है, ठीक, और अगर आप उसके आगे फ्लोट लिख देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये जो भी इसका आंसर आएगा इंटीजर का वह कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप इस इंटीजर वैल्यू को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 9/5 है, 5 बन जा 5, ठीक, पॉइंट पर जा नहीं सकता, तो आपका जो आंसर आएगा अगर इंटीजर में वो आएगा 1, मतलब ये ऑप्शन। पर ये फ्लोट का काम क्या है, इस फ्लोट का काम है कन्वर्ट करना आपके आंसर को फ्लोटिंग पॉइंट में। तो आप सोच रहे होंगे कि 0.0 लिख देंगे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर नहीं, फ्लोट यहाँ जो टाइप कन्वर्जन लिखा है इसका मतलब है कि जो आपकी वैल्यू जो होगी वह पॉइंट के बाद भी सॉल्व होगी, तो जो इसका आंसर आएगा वह आएगा 1.8। तो दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन है
वह है हमारा स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट इंट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 6, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए इक्वल टू बी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वह दिए हुए हैं आपको आउटपुट्स एंड एरर मैसेज, प्रिंट 0, प्रिंट 1, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का, तो आपको यही पता करना है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन सही से देखना है। इंट आपका डाटा टाइप है, उससे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए और उसमें इनिशियलाइज किया आपने एक वैल्यू जो है आपकी 3। ठीक, यहाँ तक ठीक है। कॉमा अपने ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं सेपरेटर आपने यूज़ किया, उसके बाद आपने एक और वेरिएबल क्रिएट किया इंट डाटा टाइप का जो है आपका बी, उसमें आपने असाइन की वैल्यू 6। ठीक, उसके बाद आपने टर्मिनेट कर दिया सेमी कॉलन से ये स्टेटमेंट। ठीक, ये आपकी लाइन एकदम परफेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी लाइन की ओर। तो इसमें लिखा प्रिंट एफ जो कि आपका फंक्शन है, डबल कोट्स में हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर को, बात सही है। परसेंटेज डी आपका हुआ फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद आपने डबल कोट्स ऑफ किया, कॉमा लगाया, सेपरेट किया आपने अपनी वैल्यू को, उसके बाद आपने लिखा ए इक्वल टू बी। डबल इक्वल का आप मतलब जानते हैं सी में, इसका मतलब होता है वैल्यू को कंपेयर करना कि वह वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, जैसे कि प्रिंट एफ का रूल है, ये एक फंक्शन है तो दोनों पैरेंथेसिस इसके ओपन होंगे और बंद भी होंगे। उसके बाद आपको टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट तो आपका सेमी कॉलन से होता है ना, यहाँ तो सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ है तो मतलब ये एक एरर है। तो आप अब ऐसे में क्या करते हैं कि आउटपुट एंड एरर मैसेज वाले ऑप्शन पर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देते तो ये जो आपका आंसर था गलत होता। अब गलत कैसे होता ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपकी सी है वह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें अगर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब अलग है, स्मॉल ए लिखा हुआ तो उसका मतलब अलग है। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ सेमीकोलन होता है इसका मतलब होता है एक टर्मिनेटर है जो टर्मिनेट करता है एक स्टेटमेंट को। एक बात आपको पता होना चाहिए कि स्कैन एफ में और प्रिंट एफ में उसके एंड में अगर आप सेमीकोलन की जगह कॉमा, ठीक, स्लैश, प्लस साइन, माइनस ये मॉडुलस साइन या फिर परसेंटेज साइन और ये वाला साइन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और आप एम्परसेंड साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेमी कॉलन की जगह अगर आप प्रिंट एफ को टर्मिनेट करेंगे इनमें से किसी भी साइन से तो वह टर्मिनेट हो जाता है आसानी से, एरर नहीं देगा वो, आपको याद रखना है। खासकर अगर आप एक टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो वह एरर देगा ही नहीं। किसी और कंपाइलर के अभी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और कंपाइलर में ये एरर दे, तो टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर के हिसाब से ये एक एरर नहीं है। ठीक, एरर तो ये है नहीं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ये तो आपको पता चल गया। नन ऑफ दीज, प्रिंट 0, प्रिंट 1, इनमें से क्या ऑप्शन होगा? आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कंपेयर ऑपरेटर है अगर वह ट्रू जाता है तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक, और अगर वह फॉल्स जाता है तो उसकी वैल्यू होगी आपकी 0। आपको पता ही है कि 1 का मतलब बाइनरी में ट्रू होता है और 0 का मतलब बाइनरी में फॉल्स होता है, सिंपल सी बात है। तो अब ये कंपेयर करेगा इस एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन क्या है आपकी है 3 इक्वल टू 6 जो कि आपके इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये प्रिंट करेंगे 0 को, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका प्रिंट 0। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेन फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि मेन फंक्शन आपका क्या है तो ज़्यादातर लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि मेन आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि किसी भी सी प्रोग्राम में बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, बात ट्रू है आपकी, पर मेन फंक्शन आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है ये बात आपकी पूरी तरीके से सच नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर बचा आपका एक यूजर डिफाइंड आपका मेन फंक्शन होता है, तो मतलब मेन फंक्शन आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब जो मुद्दा आता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन ही क्यों है, मेन तो ना लिखो तो प्रोग्राम चलता ही नहीं है, तो ये यूजर डिफाइंड कैसे हुआ, ये तो प्री डिफाइंड हुआ। दोस्तों बात ये है कि आप बॉरलैंड कंपाइलर की बात छोड़कर, बॉरलैंड कंपाइलर जो आपका बहुत पुराना कंपाइलर था उसमें आपका सिर्फ मेन फंक्शन बिना किसी रिटर्न टाइप के, बिना किसी
रिटर्न टाइप के आप लिखते थे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, अब जो आपके कंपाइलर आ रहे हैं उसमें आप लिखते हैं इंट मीन या फिर आप लिखते हैं वॉइड मीन। और आपको पता है कि जब भी आपका कंपाइलर जीरो वैल्यू देखता है मेन फंक्शन से रिटर्न होती हुई, तो इसका मतलब होता है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ये प्रोग्राम आपका एरर फ्री है। तो आपको पता होगा कि इंट मेन जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसके एंड में लिखते हैं रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब यही होता है कंपाइलर को बताना कि कंपाइलर जीरो को देख के ये समझ जाए कि इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है और आप इसे आसानी से रन करा सकते हैं। जीरो आपका तब देखा जाता है जब आपका पूरा प्रोग्राम रीड हो जाता है। तो दोस्तों ये तो आपकी बात की बात है, ये तो आपके कंपाइलर की बात है, तो इस बात को मैं भी पूरी गहराई में नहीं लूँगा, तो मैं अभी बताता हूँ आपको यूज़र डिफाइंड क्यों होता है। जैसा कि आपको पता है कि आप जब कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ आप एक रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं जैसे इंट और बॉइड। और आपको पता होगा कि आजकल आप मेन के साथ इंट और बॉइड जैसे दो रिटर्न टाइप को यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको यही हो गया। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रिंट एफ फंक्शन आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, पर आपको ये भी पता होगा कि इसके साथ आपका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। स्कैन एफ आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पर इसके साथ भी कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होता। सी एल आर एस सी आर या गेट सी एच आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है पर इनके साथ भी कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होता है। पहला आंसर तो आपका यही हो गया कि मेन के साथ आपका इंट और बॉइड यूज होता है, रिटर्न टाइप यूज होता है, इसलिए ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेन फंक्शन से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो कंपाइलर को कैसे पता कि आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है वह एक मेन नाम से लिखा गया है और आप मेन की जगह कुछ और लिखते हैं तो वह एरर क्यों आती है? तो कंपाइलर को मेन का काम पहले से ही समझाया गया है कि जहां भी आपका ये शब्द, मतलब कि जहां भी आपको प्रोग्राम में मेन दिखेगा, तो इसका मतलब है कि आपको वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। पर ये तो आपका प्रीडिफाइन वाले काम हो गए, तो यूजर डिफाइन कैसे हुआ? तो यूजर डिफाइन आपको ऐसा हुआ कि आपको पता है कि मेन के अंदर आप इसकी बॉडी लिखते हैं, मेन के अंदर ही आप सारे काम करते हैं, तो ये एक यूजर डिफाइंड हो गया। फिर तो आपके पास अगर ये ऑप्शन होते कि पहला ऑप्शन होता आपके पास कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, दूसरा ऑप्शन होता आपके पास ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है कि प्रीडिफाइंड और यूजर डिफाइंड दोनों तरह का ये एक फंक्शन है, तो अगर आपके पास ये तीसरा ऑप्शन होता तो आप इसको टिक कर देते। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन फंक्शन आपका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन भी है और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी है। और अगर आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं कि यूजर डिफाइंड है या फिर प्रीडिफाइंड है, तो आप बोलेंगे कि मेन फंक्शन आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि कंपाइलर को उसका काम तो पता होता है पर ये काम क्या करने वाला है ये आपको ही बताना होता है। तो ये एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही आप सारे काम करते हैं एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।